गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना। फर्स्ट लॉ जो है हमें डेफिनेशन देता है फोर्स की, एंड सेकंड लॉ जो है हमें एक फॉर्मूला देता है इन टर्म ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू इट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। Now, moving to next law, that is third law of motion. क्या होता है third law of motion? हम इसके बारे में समझेंगे। Third law of motion. What do you understand by the term third law of motion? सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, इफ एन ऑब्जेक्ट अप्लाई force on another object and the object, then that object also apply force on the फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? अकॉर्डिंग टू दिस, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो ऐसी कंडीशन में वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है जो कि इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है एज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट अप्लाई द फोर्स। एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं, सपोज वी हैव अ स्प्रिंग। नाउ वन अप्लाई फोर्स एंड स्टार्ट टू कंप्रेस इट एंड इट रीचेस टू हियर on compressing and that force is just acting on it. What? As that force act, जो spring होती है वो भी एक force लगाती है जो कि opposite direction में होती है और magnitude wise equal होती है। जो force हमने लगाई उस फोर्स को बोलते हैं, या फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगाता है बोलते हैं एक्शन। एक्शन क्या होता है? फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट बॉडी। वो फोर्स जो कि फर्स्ट बॉडी के द्वारा लगाई जा रही है उसे हम बोलेंगे एक्शन। एंड रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड बॉडी ऑन फर्स्ट।
एक्शन फोर्स वो होती है जो फर्स्ट बॉडी लगाती है, अप्लाइड बाई फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड बॉडी, और वहीं रिएक्शन फोर्स वो होती है जो सेकेंड बॉडी होती है वो फर्स्ट बॉडी पर लगाती है, वो फोर्स रिएक्शन फोर्स होती है। तो बॉडी के अंदर एक एक्शन की फोर्स होती है और एक रिएक्शन की फोर्स होती है। सो हम कह सकते हैं तो एक फोर्स एक्शन की होती है और दूसरी फोर्स रिएक्शन की होती है। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो एक फोर्स एक्शन की होती है और दूसरी फोर्स रिएक्शन की होती है। तो इस बात से पता चलता है कि जो फोर्स होती है किसी बॉडी पे लगती है इन पेयर, फोर्स जो होती है पेयर में एक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट नहीं करती। अगर हम एक फोर्स लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर तो एज अ एक्शन, तो एज अ रिएक्शन हमें दूसरी फोर्स भी फेस करने को मिलेगी, एक पेयर में मिलेगी। हम कह सकते हैं एफ ए बी जो है, एफ ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव एफ बी ए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब है फोर्स जो है ए पर बी के द्वारा इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। जो नेगेटिव साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। एफ इक्वल्स टू बी ए, फोर्स ऑन ए बाई बी एंड फोर्स ऑन बी बाई ए इक्वल एंड अपोजिट, व्हाट दे आर डायरेक्शनल अपोजिट। जो नेगेटिव साइन यहां पर है, नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो हमारी फोर्स है उसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है हमारा नेगेटिव साइन। तो हम से प्रूफ देखते हैं, ये प्रूफ हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। सब तो डेल पी वन प्लस डेल पी टू बिकम इक्वल्स टू जीरो, वेक्टर है वेक्टर। जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ये कॉन्स्टेंट। तो डेल पी वन और डेल पी टू सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। नाउ इसको हम इधर लेके जाते हैं, डेल पी वन वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव डेल पी टू वेक्टर। नाउ हम दोनों साइड डेल टी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड वाई डेल टी, डेल पी वन डेल टी इक्वल टू नेगेटिव डेल डेल टी, एंड नाउ अप्लाइंग द लिमिट बोथ साइड, अप्लाइंग लिमिट डेल टेंस टू जीरो
दोनों साइड लिमिट लगाने पर, लिमिट डेल स्टैंड टू टी जीरो, डेल पी वन वेक्टर और डेल टी और नेगेटिव लिमिट डेल टी कॉस जीरो डेल पी टू वेक्टर इक्वल्स टू डेल टी। ये सारा वैल्यू होता है इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसे हम डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। सो डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू नेगेटिव डी पी टू अपॉन डी टी। सो फोर्स ऑन वन इज इक्वल्स टू नेगेटिव फोर्स ऑन सेकेंड। और हम एवी की टर्म बोलना चाहें, इस बात को एवी की टर्म में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन एबी इज इक्वल टू नेगेटिव एफ बी अपॉन ए। तो हम कह सकते हैं जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट है और अपोजिट को दिखा रही है नेगेटिव साइन के द्वारा। तो नेगेटिव साइन है वो दिखा रहा है कि फोर्स अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम एक टर्म से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो कह सकते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। नाउ मूविंग टू सम एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम कुछ एप्लीकेशन दिखाएंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट एप्लीकेशन बुक placed on the table। जो एक बुक रखी होती है टेबल के ऊपर वो भी एक्शन और रिएक्शन की फोर्स एक्सपीरियंस करती है। कैसे देखते हैं, ये हमारा टेबल है। इस पे हमारी ये बुक रखी है। नाउ जो बुक है ये और ये टेबल है, टेबल एंड बुक। जो बुक थी उसने क्या किया, टेबल पर एक फोर्स लगाया, टेबल पर एक फोर्स लगाया एज अ फोर्स ऑफ एक्शन। एक्शन की फोर्स के टर्म में जो बुक थी उसने एक डाउनवर्ड फोर्स लगाई
और जब उस बुक ने एक डाउनवर्ड फोर्स लगाया तो उसके रिएक्शन में जो टेबल थी जो सरफेस पर रखी है, फुटिंग ऑन द सरफेस, जो सरफेस पर रखी है टेबल, उसने भी एक फोर्स लगाई एज अ रिएक्शन, एज अ रिएक्शन उसने भी एक फोर्स लगाई एज अ रिएक्शन जिसका मैग्नीट्यूड एक्शन की फोर्स के बराबर है, लाइक डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरीके से जब हम बुक को डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो बुक को डिस्प्लेस करने के लिए हमने यहां से एक फोर्स लगाई एज एक्शन, एक एक्शन की फोर्स हमने लगाई टू डिस्प्लेस अ बुक। और जैसे हमने एक्शन की फोर्स लगाई बुक का डिस्प्लेसमेंट रोकने के लिए या बुक में मोशन ना हो उसके लिए, एज अ रिएक्शन एक फोर्स प्रोड्यूस हुई, फोर्स ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की फॉर्म में एक फोर्स प्रोड्यूस हुई। तो जो बुक होती है उस पर भी एक्शन रिएक्शन का वर्क होता है। सिमिलरली सेकेंड वाइल वॉकिंग, जब हम मूव करते हैं तो उसमें हमारा थर्ड लॉ वर्क करता है। किस तरीके से, जैसे ये एक पर्सन था, और ये मूव कर रहा है, इट इज मूविंग ऑन द रोड, ये रोड पर मूव कर रहा है। तो जब ये रोड पर मूव कर रहा होता है तो ये अपने फुट की मदद से, पैरों की मदद से एक बैकवर्ड फोर्स लगाता है, बैकवर्ड फोर्स एज अ फोर्स ऑफ एक्शन, अपने पैर की मदद से पीछे की तरफ फोर्स लगाता है एज अ एक्शन। और उस एक्शन के रिजल्ट में, उसे दूसरी फोर्स मिलती है एज अ रिएक्शन जो कि उसे फॉरवर्ड मूव कर देती है, एज अ रिएक्शन, एज अ रिएक्शन उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है जो कि उसे फॉरवर्ड मूव करती है, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। तो इसमें भी एक एक्शन और रिएक्शन का फोर्स लगता है। अगर हम एक स्लिपरी रोड पर या डिजर्ट वाले रोड पर चलें तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स ऑफ एक्शन होती है वो कम लगती है। इसी कारण से हम स्लिपरी रोड पर सही से नहीं चल पाते, और क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होता है, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम जो एक्शन की फोर्स लगाते हैं वो भी कम ही लगेगी। थर्ड स्विमिंग, एक पर्सन जो होता है वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है, फ्लोट इन अ वाटर, दैट पर्सन इज गोइंग टू फ्लोट विद इन अ वाटर। जब ये पर्सन वाटर के अंदर फ्लोट करता है तो ऐसी कंडीशन में ये अपने हैंड की मदद से एक वेक वर्ड फोर्स लगाता है ऑन वाटर, वेकवर्ड फोर्स लगाता है पानी के ऊपर। और जब ये पानी को एक बैकवर्ड फोर्स लगाता है तो
एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बैकवर्ड फोर्स एक फोर्स भी लगती है इसके ऊपर जो उसे फॉरवर्ड मूव करती है एज अ फोर्स ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड फोर्स, एक फॉरवर्ड फोर्स भी उसके ऊपर लगती है जो कि उसे आगे की तरफ मूव करा देती है। फोर्थ, बाउंसिंग बैक, बॉल, आफ्टर स्ट्राइकिंग, फ्रॉम द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द सरफेस, बाउंस बैक हो जाना किसी बॉडी का, बॉल का, जब हम उसे सरफेस पे थ्रो करते हैं। कैसे? ये थी हमारी सरफेस, यहां से हमारी बॉल जो थी डाउन, हमने डाउन, जैसे ही हमने बॉल को डाउन थ्रो किया और सरफेस पे आई, सरफेस आई डाउन होने के बाद में सरफेस पर उसने एज अ फोर्स ऑफ एक्शन कोई फोर्स लगाया और फोर्स ऑफ एक्शन के रिजल्ट में एक रिएक्शन की फोर्स मिली जिसके कारण बॉल ऊपर गई। तो यहां पर इसने एक्शन लगाया फोर्स पर और एक्शन लगाने के कारण उस पर एक रिएक्शन आया, रिएक्शन। सिमिलरली अप डाउन, अप डाउन बाय द टाइम ये थोड़ा कम होता चला जाता है लेकिन एक्शन रिएक्शन का फोर्स वर्क करता है। सिमिलरली जब हम एक हथौड़े से नेल को हिट करते हैं तो उसमें भी एक्शन रिएक्शन का फोर्स वर्क करता है। यहां हम दिखा देते हैं, नहीं यहां पे, व्हेन अ नील हिट विद दी हैमर, नील जो होती हैमर के द्वारा हिट की जाती है तब भी एक्शन रिएक्शन का फोर्स वर्क करता है। हमने एक बड़े से हथौड़े से उस पर हिट किया और जैसे हमने उसे हिट किया एज एक्शन, एक्शन के रूप में उसे हिट करने पर हमें भी एक बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलती है, बैकवर्ड फोर्स। एक बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलती है जब हम उसे हैमर से हिट करते हैं। तो ये भी हमारा एप्लीकेशन में होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो कौन कौन से एप्लीकेशन में पड़े? जो बुक होती है उसे प्लेस करते हैं तो उस पर एक्शन रिएक्शन का फोर्स वर्क करता है, इसमें भी थर्ड लॉ है। वॉकिंग में भी थर्ड लॉ लगता है बाय एक्शन एंड रिएक्शन। सिमिलरली स्विमिंग केस में भी बैकवर्ड बैकवर्ड फोर्स ऑफ लग जब हम लगाते हैं तो फॉरवर्ड फोर्स लगती है और हम इस कारण से आगे मूव करते हैं। सिमिलरली बाउंसिंग बैक ऑफ द बॉल, बाउंसिंग बैक ऑफ द बॉल करने पर भी हम देख सकते हैं एक्शन रिएक्शन का फोर्स वर्क कर रहा है। जब हम नेल को हिट करते हैं तो उसमें भी हमारा थर्ड लॉ वर्क करता है।
कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। जैसे व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, when the bullet is fired from the gun, person experience a backward jerk. बुलेट को फायर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें एक जर्क महसूस होता है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन। इसमें थर्ड लॉ कैसे लगता है हम जरा देखते हैं। यहां पर हमारी बुलेट थी और इस पर एक एक्शन भी फोर्स ने वर्क किया। जैसे हमने टिगर क्लिक किया, टिगर को दबाया तो एक्शन की फोर्स इस बुलेट पर वर्क करती है जो कि इसे आगे की तरफ मूव करा देती है। दैट फोर्स ऑफ एक्शन मूव दैट बुलेट फॉरवर्ड, और बुलेट जो होती है टारगेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। मूव फॉरवर्ड। और जैसे ही वो मूव करती है तो उसके कारण एक बैकवर्ड फोर्स भी लगती है। फिर बैकवर्ड फोर्स, सो बैकवर्ड फोर्स, एक बैकवर्ड फोर्स भी लगती है एज अ रिएक्शन। बैकवर्ड फोर्स भी हमें एक्सपीरियंस होती है एज अ रिएक्शन। एक्शन का रिएक्शन, तो बैकवर्ड फोर्स भी हमें लगती है जिसके कारण हमें चक लगता है या कुछ समय के लिए हम पीछे हो जाते हैं। तो ये भी होता है बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ, क्योंकि एक हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इस तरीके सेवेंथ एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन पर्सन जंप फ्रॉम द बोट, जंप फ्रॉम द बोट, जब एक पर्सन बोट से जंप करता है देन इट एक्सपीरियंस फोर्स एंड बोट मूव बैकवर्ड। बोट पीछे चली जाती है और उसे एक फॉरवर्ड साइड डैश में जक महसूस होता है। बैकवर्ड इस तरीके से यह देखते हैं। ये हमारा डेस्क था।
इधर हमारा वाटर लेवल था, वी हैव वाटर हियर। हमारे पास यहाँ पर बोट थी, अब यहां से एक पर्सन जो था उसने जंप किया यहां पर, उसने जंप किया। तो जंप करते समय इसने इस बोट को दबाया और दबाने के कारण जो बोट थी वो बैक वर्ल्ड मूव की। इसने फुट से इस पर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने पर जो बोट थी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गई और एज अ एक्शन, और उसके रिजल्ट में ये यहां से उठा और यहां पर जंप करके यहां पर आ गया एज अ रिएक्शन, एज अ रिएक्शन वो यहां से जंप करके यहां पर आ गया। इस कंडीशन में भी हमारी थर्ड लॉ ही वर्क कर रहा है। और साथ ही साथ यहां देखिए थर्ड लॉ अगर हम देखें तो यहां पे भी वर्क करता है। जैसे वाटर बोट जो है वाटर फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड फोर्स और एज एक्शन, तो उसके रिजल्ट में जो वाटर है जो वॉटर है वो भी उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, वॉटर भी उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन है। यही हमारा एक एग्जाम्पल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, नोट इट डाउन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और है उसके बाद। हॉर्स कार्ड, हॉर्स घोड़ा गाड़ी जो होती है उसमें किस तरीके से थर्ड लॉ वर्क करता है अब हम ये दिखेंगे। देखिए तो यहां देखें ये हमारी सरफेस थी, ये हमारी हॉर्स था, हॉर्स इस हॉर्स के हम थोड़ा सा एक एंगल बना दिया, एंगल इस तरीके कुछ एंगल पर फोर्स लगाएगा एज एंगल थीटा। यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये कार्ट और एक हॉर्स। तो अब देखिए यहां से जो एक डाउनवर्ड फोर्स लगाई जा रही डाउन, और उस डाउनवर्ड फोर्स के अकॉर्डिंग एक अपवर्ड फोर्स भी मिल रही है। डाउनवर्ड फोर्स जो है एम जी मास की जैसे है और अपवर्ड फोर्स एज अ रिएक्शन का एक्शन के रूप, रिएक्शन के रूप में मिल रही है हमें। सिमिलरली जो हॉर्स होगा वो हॉर्स भी इसी तरीके से सरफेस पर अपने वेट की वजह से, वेट इक्वल टू एम जी की वजह से फोर्स लगा रहा है और उसके रिएक्शन में उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होगी।
जो हमें रिजल्टेंट ऑफ फोर्स मिल रहा है वो आर कॉस थीटा हमने मान के चला, आर मान के चला। नाउ अब हम इसे आर को रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व आर इनटू इट्स कंपोनेंट। हमने आर को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो हमारा ये आर कॉस थीटा और इधर आर साइन थीटा बना, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा बना। नाउ जो आर साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसी कारण वो कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा ऑन द मोशन। तो जो मोशन होगा हॉर्स कार्ट के अंदर वो होगा इस फोर्स की वजह से, आर कॉस थीटा की वजह से। फोर्स में जो मोशन होगा वो आर कॉस थीटा की वजह से होगा। तो जब आर कॉस थीटा की वजह से मोशन होगा तो ये स्ट्रिंग जो है जब आगे मोशन करने की कोशिश करेगा तो एक टेंशन पैदा होगी इसके अंदर, एक टेंशन या खिंचाव पैदा होगा जो कि इस बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब रोटेशन होगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगी, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो है एक्ट करेगी। अब हमें जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर लगानी पड़ेगी। अगर हमारी जो आर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से तो हमारा कार्ड जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा। एंड अगर हमारा आर कॉस थीटा फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो या उसके बराबर हो तो ऐसी कंडीशन में डू नॉट मूव, तो ऐसी कंडीशन में हमारा हॉर्स कार्ट जो है मूव नहीं करेगा। तो हॉर्स कार्ट के मूव करने की कंडीशन क्या है, जो आर कॉस थीटा का कंपोनेंट है वो उसकी फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।